हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक्सप्लोर वायरस के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सूरत शहर की। सूरत भारत के गुजरात राज्य में मौजूद देश का प्रमुख बंदरगाह वाला शहर है, जो किसी समय पर सूर्यपुर के नाम से जाना जाता था। ये शहर गुजरात की आर्थिक राजधानी भी कहलाता है। सूरत क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का 8वां और आबादी के हिसाब से 9वां सबसे बड़ा शहर है। शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार सूरत भारत का तीसरा सबसे साफ सुथरा शहर माना जाता है। ताप्ती नदी इस शहर के बीच से होकर गुजरती है। गुजरात में अगर GJ05 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दौड़ती मिल जाएं, तो समझ जाइए आप सूरत की धरती पर कदम रख चुके हैं। सूरत का सबसे पहला वर्णन महाभारत में मिलता है, जिसके अनुसार श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका जाते समय यहाँ पर रुके थे। तब इस स्थान को सूर्यपुर के नाम से बुलाया जाता था, लेकिन इसका नाम कब और कैसे बदलकर सूरत पड़ा, इस बात का कोई ठोस सबूत आज भी अवेलेबल नहीं है। स्थानीय हिंदू परंपराओं के अनुसार ये माना जाता है कि सूरत शहर की स्थापना 15वीं सदी के आखिरी सालों में गोपी नाम के एक ब्राह्मण द्वारा की गई थी, जो इसे सूर्यपुर के नाम से पुकारा करता था। 1512 और 1530 में सूरत शहर को पुर्तगालियों द्वारा काफी नुकसान पहुंचाया गया था। 1513 में आए एक पुर्तगाली यात्री ड्यूरेट बारबोसा ने बताया कि सूरत एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जहां पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कई जहाज आते जाते रहते हैं। 1520 तक इस शहर को सूरत के नाम से जाना जाने लगा। सूरत अपने कपड़ा और हीरा कारोबार के लिए आज भी काफी पॉपुलर है, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हीरों की कटिंग और पॉलिशिंग होती है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया के 90% हीरों की पॉलिशिंग सूरत शहर में ही की जाती है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार सूरत की आबादी लगभग 46 लाख के करीब है, जो इसे गुजरात के अहमदाबाद शहर के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर बनाते हैं। जनसंख्या का 53% पुरुष जबकि 47% महिलाएं हैं। सूरत शहर की साक्षरता दर 89% है, जो कि राष्ट्रीय दर 79.5% से ज्यादा है। पुरुषों की साक्षरता दर 93% और महिलाओं की 84% है। सूरत अपने राज्य की राजधानी गांधीनगर से 284 किलोमीटर और मुंबई से 265 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। आइए अब बात करते हैं सूरत में घूमने की कुछ जगहों के बारे में। पहले नंबर पर आता है डूमस बीच। सूरत शहर के बीच से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर यह बीच काफी सुंदर है। वीकेंड पर आपको इस बीच पर काफी सारे पर्यटक देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से बहुत सारे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ घूमने आए होते हैं। इस बीच की रेत काले रंग की है, जो अन्य बीच की तुलना में इसे अलग बनाता है। दूसरे नंबर पर आता है गोपी झील। सूरत के सबसे प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट्स की सूची में गोपी झील का नाम भी शामिल है। इस झील का निर्माण सन 1510 ईस्वी में मलिक गोपी ने करवाया था, जो कि उस समय के गवर्नर हुआ करते थे। इस झील में बोटिंग, बम्पर राइडिंग और जिप लाइन जैसी एक्टिविटीज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही यहाँ पर बच्चों के लिए भी कई तरह की किड्स एक्टिविटीज की सुविधा मौजूद है। सूरत के इतिहास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात और है कि इसे शिवाजी ने 2 बार लूटा था। 1687 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सारी रेजिडेंसी पूरी तरह से मुंबई में स्थापित कर ली थी। सूरत की उन्नति के शिखर पर इसकी आबादी 8 लाख तक पहुंच गई थी, लेकिन 19वीं सदी के मध्य में इसका महत्व इतना कम हो गया कि शहर की आबादी महज 80,000 रह गई। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर अपने शहर के बारे में वीडियो चाहते हैं तो एक्सप्लोर वायरस को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर वायरस।